हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकैबुलरी लर्निंग लेसन में मैं एक बार फिर से आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, मतलब कि न्यूज़पेपर में आए हुए किसी न्यूज़ से रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जो एग्ज़ाम्पल के साथ मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है स्लम्प। स्लम्प एक नाउन है जिसका मतलब होता है मंदी, गिरावट, कीमतों में कमी या आर्थिक गतिविधियों में गिरावट। मंदी तो हम सभी को पता है, मतलब कि प्रोडक्शन में कमी, इनकम में कमी और चीज़ों की कीमतों में भी कमी। तो स्लम्प के सिनोनिम वर्ड्स हैं रिसेशन और स्लैक। इन दोनों वर्ड्स का मतलब भी होता है मंदी, गिरावट या कीमतों में कमी। इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं, मतलब अपोजिट वर्ड्स हैं इसके, राइज और अपटर्न। राइज का मतलब होता है बढ़ोतरी और अपटर्न का मतलब होता है सुधार। तो गिरावट या मंदी के अपोजिट वर्ड्स बढ़ोतरी या सुधार हो सकते हैं। कोरोना वायरस हैज़ कॉज्ड स्लम्प ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में मंदी का कारण बना हुआ है। कोरोना वायरस हैज़ कॉज्ड स्लम्प ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो स्लम्प का मतलब होता है मंदी या गिरावट। नेक्स्ट वर्ड है प्लमेट। प्लमेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है तेज़ी से गिरना या अचानक गिर जाना। ये भी एक तरह से स्लम्प का ही सिनोनिम है, मतलब कि मंदी का ही ये सिनोनिम है। तो इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं प्लंज, स्लम्प और नोज डाइव। इन तीनों वर्ड्स का मतलब भी तेज़ी से गिरना या अचानक गिर जाना होता है। इसके एंटोनिम वर्ड्स हैं स्काई रॉकेट और असेंड। इन दोनों वर्ड्स का मतलब चढ़ना या बढ़ना होता है, मतलब कि ऊपर की तरफ जाना। माइल्ड स्नोफॉल प्लमिटेड टेम्परेचर इन हिमाचल प्रदेश। हल्के हिमपात से हिमाचल प्रदेश का तापमान अचानक गिर गया। हल्के हिमपात मतलब हल्की हल्की वहाँ पे स्नोफॉल हुई या बर्फबारी हुई, तो उससे हिमाचल प्रदेश का तापमान अचानक कम हो गया, वहाँ पे थोड़ी ठंडक हो गई। माइल्ड स्नोफॉल प्लमिटेड टेम्परेचर इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट वर्ड है कैवियाट। कैवियाट एक नाउन है जिसका मतलब होता है चेतावनी या धमकी। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं वार्निंग और कॉशन। वार्निंग और कॉशन दोनों ही वर्ड्स का मतलब होता है चेतावनी या धमकी। इसके अपोजिट वर्ड्स होते हैं स्पाउजल और अप्रूवल। स्पाउजल और अप्रूवल दोनों ही वर्ड्स का मतलब होता है समर्थन, मतलब हम किसी को चेतावनी नहीं दे रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये चेतावनी का अपोजिट वर्ड हो सकता है। देयर आर मैनी कैवियाट्स इन द प्लान। योजना में कई चेतावनियाँ हैं, मतलब कोई प्लान है किसी चीज़ का, उसमें बहुत सारी चेतावनियाँ हैं या धमकियाँ हैं, मतलब कि ये नहीं करना है या ये करना है। तो देयर आर मैनी कैवियाट्स इन द प्लान। तो कैवियाट का मतलब होता है चेतावनी या धमकी। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, बेमिसाल, अनोखा या अपूर्व। ये एक एडजेक्टिव है। अभूतपूर्व, बेमिसाल, अनोखा या अपूर्व, मतलब उसके जैसा कोई भी नहीं है, मतलब कि मैचलेस है वो। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं अनमैच्ड, अनपैरलर्ड। इन दोनों ही वर्ड्स का मतलब भी सेम होता है, मतलब कि बेमिसाल या अनोखा। इसके अपोजिट वर्ड्स होते हैं ऑर्डिनरी और कॉमन। ऑर्डिनरी और कॉमन दोनों ही वर्ड्स का मतलब होता है मामूली, मतलब कि जो अनोखा नहीं है, बेमिसाल नहीं है, वो उसका अपोजिट है मामूली। प्रिपरेशंस वर मेड ऑन एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल। तैयारियां अभूतपूर्व पैमाने पर की गई थी, मतलब किसी चीज़ की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से की गई थी, अनोखे तरीके से की गई थी। तो तैयारियां बेमिसाल पैमाने पर की गई थी या बेमिसाल तरीके से की गई थी। नेक्स्ट वर्ड है कर्ब। कर्ब नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। एज अ नाउन इसका मतलब होता है रोक, नियंत्रण या प्रतिबंध, और एज अ वर्ब इसका मतलब होता है नियंत्रण करना, नियंत्रण रखना, रोक लगाना या लगाम लगाना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं इनहिबिट, ब्राइडल और कंट्रोल।
तीनों ही वर्ड्स का सेम मीनिंग होता है। इसके अपोजिट वर्ड्स होते हैं रिलीज और अनब्राइडल, मतलब कि छुटकारा देना या फिर लगाम हटाना। रिलीज का मतलब छुटकारा देना और अनब्राइडल का मतलब होता है लगाम हटाना। ही नीड्स टू लर्न टू कर्ब हिज टेम्पर, उसे अपने गुस्से पर लगाम लगाना सीखने की ज़रूरत है, मतलब उसे जो इतना गुस्सा आता है उसे कंट्रोल करना सीखने की उसे ज़रूरत है। ही नीड्स टू लर्न टू कर्ब हिज टेम्पर, तो कर्ब का मतलब होता है रोक लगाना। नेक्स्ट वर्ड है सर्कमस्पेक्शन। सर्कमस्पेक्शन एक नाउन है जिसका मतलब है समझदारी, सावधानी या एहतियात। इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं प्रिकॉशन और अटेंटिवनेस। दोनों वर्ड्स का मतलब भी समझदारी, सावधानी या एहतियात होता है। इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं अनगार्डेड और इनकॉशस, मतलब कि असावधान। एनी डिसीजन ऑन एक्सटेंडिंग लॉकडाउन मस्ट बी बेस्ड ऑन एक्सट्रीम सर्कमस्पेक्शन। लॉकडाउन को बढ़ाने का कोई भी फैसला बहुत ज़्यादा सावधानी पर आधारित होना चाहिए, मतलब लॉकडाउन हटाने का कोई भी डिसीजन लिया जाए वो बहुत ज़्यादा समझदारी या एहतियात या फिर सावधानी पे डिपेंड होना चाहिए, मतलब लॉकडाउन बहुत सावधानी या एहतियात के साथ हटाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्रंट। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है सामना करना या मुकाबला करना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं एनविसेज और फेस अप। इन दोनों वर्ड्स का मतलब होता है सामना करना या मुकाबला करना। इसके अपोजिट वर्ड्स होते हैं इवेशन और अवॉइड। दोनों का मतलब होता है टालना, मतलब सामना नहीं करना या मुकाबला नहीं करना, मतलब कि उसे टालना। अ सोल्जर ऑफन हैज़ टू कन्फ्रंट डेंजर, एक सैनिक को अक्सर खतरे का सामना करना पड़ता है। अ सोल्जर ऑफन हैज़ टू कन्फ्रंट डेंजर, तो कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना या मुकाबला करना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं एनविसेज और फेस अप। नेक्स्ट वर्ड है इन टैटर्स। इन टैटर्स एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है खराब स्थिति में, जीर्ण अवस्था में या बर्बाद या फिर तबाह। जीर्ण अवस्था में मतलब कि खराब स्थिति में। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं रोइंड, डिस्ट्रॉयड और शैटर्ड। सारे ही वर्ड्स का मतलब होता है खराब स्थिति में या फिर बर्बाद या तबाह। इसके अपोजिट वर्ड्स हैं सिक्योर्ड और प्रिजर्व्ड। इन दोनों वर्ड्स का मतलब होता है सुरक्षित, मतलब कि सेफ। द कंपनी इज इन टैटर्स आफ्टर द फाउंडिंग मेंबर्स रिजाइंड, संस्थापक सदस्यों की इस्तीफा देने के बाद कंपनी खराब स्थिति में है, मतलब जिन्होंने फाउंडेशन किया था कंपनी को उन मेंबर्स ने रिज़ाइन कर दिया है, तो उसके बाद से कंपनी खराब स्थिति में है या बर्बाद अवस्था में है। तो इन टैटर्स का मतलब होता है खराब स्थिति में, बर्बाद या तबाह या फिर जीर्ण अवस्था में। इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं रुइंड, डिस्ट्रॉयड और शैटर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ एक नाउन है जिसका मतलब होता है परिणाम या नतीजा। इसके सिनोनिम वर्ड्स मतलब सिमिलर वर्ड्स होती हैं कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट और आउटकम। इसके अपोजिट वर्ड्स होते हैं कॉज और रीज़न। क्योंकि परिणाम या नतीजे का अपोजिट वर्ड कारण होता है, इसीलिए आफ्टरमैथ का अपोजिट वर्ड या एंटोनिम वर्ड्स कॉज या रीज़न है। हिज सक्सेस इज़ द आफ्टरमैथ ऑफ हिज हार्ड वर्क, उसकी सफलता उसकी कठोर मेहनत का नतीजा है, मतलब उसे जो सक्सेस मिली है वो उसकी हार्ड वर्क की वजह से उसे मिली है, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया है इसलिए उसे वो सक्सेस मिली है। हिज सक्सेस इज़ द आफ्टरमैथ ऑफ हिज हार्ड वर्क, तो आफ्टरमैथ का मतलब होता है परिणाम या नतीजा। और इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट और आउटकम। नेक्स्ट वर्ड है इंसुलर। इंसुलर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है अलग थलग, अकेला या एकांत। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं आइसोलेटेड और सेपरेट। इसके अपोजिट वर्ड्स हैं यूनिट और जॉइंट, मतलब कि सम्मिलित एक साथ में। अलग थलग या अकेले का अपोजिट होता है एक साथ में, मतलब सबके साथ में।
तो इंसुलर के अपोजिट वर्ड्स यूनिट या जॉइंट होते हैं। इंसुलर एटीट्यूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, अलग थलग रवैया स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। मतलब कोई अगर अलग अलग रहना चाहता है, वो बिल्कुल अलग रहना चाहता है, लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहता है लोगों के साथ, तो वो एटीट्यूड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसको लास्ट में सभी वर्ड्स का एक बार रिवीजन कर लीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक इन वर्ड्स को याद करिए, इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करिए, साथ ही न्यूज़पेपर रीड करने की भी कोशिश करिए।